गोमती नगर में स्थित लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज गोमती नगर ने कोरोना काल में भी छात्रों के उज्जवल भविष्य को निखारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसको लेकर लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के संस्थापक एसपी सिंह ने अपने विद्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें एसपी सिंह ने बच्चों के भविष्य को लेकर और कोरोना काल में बंद विद्यालय के बावजूद शिक्षा को ऑनलाइन किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया, इन सब के बारे में मीडिया को अवगत कराया। दरअसल कॉलेज के शिक्षकों द्वारा छात्रों को लगातार मिल रहे कुशल मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि इस मुश्किल दौर में भी छात्रों ने अपनी प्रतिभा को निखारते हुए अमेज़न के एलेक्सा और एप्पल के सिरी वॉयस असिस्टेंट की भांति एक नए एआई वॉयस असिस्टेंट स्नो बॉय का निर्माण किया, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग पर आधारित है। ये गूगल और अमेज़न के डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का जवाब देगा। इसके पहले यहां के छात्रों ने ऑटोमेटेड हैंड सैनिटाइजर और ड्रोन का निर्माण कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। बनाए गए सैनिटाइजर की मशीन जो है इंस्टॉल की गई है गेट पर ही, तो उसी से अभी वो हो रहा है, क्योंकि इस समय समय की मांग है। अब जो है इस कठिन दौर में भी कभी चुप नहीं बैठे शिक्षकों के मार्गदर्शन में एलपीसीपीएस छात्रों ने इस कठिन दौर में भी अपनी प्रतिभा का विकास किया, प्रतिभा के लिए दिन रात काम किया है। और आपने सुना होगा एलेक्सा, ये जो अमेज़न का है और एप्पल का है सीरी, ये वॉइस असिस्टेंट की के उसमें जो आप बोलिए वो आंसर करते हैं। ऐसे ही हमारे प्रोफेसर्स की देख रेख में हमारे स्टूडेंट्स ने एक एआई वॉइस असिस्टेंट स्नो बॉय का भी निर्माण किया है। संस्थापक प्रबंधक एसपी सिंह ने छात्रों की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये कॉलेज प्रतिभाशाली छात्रों को हर संभव मदद करने के साथ ही एक मंच उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं पेड प्लेटफॉर्म पर विधिवत चलाई जा रही हैं। इस दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एवं कुछ फिजिकली रूप से यहां के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है।